हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइकिल राइडर रॉय। माय नेम इज़ विशु एंड जैसा कि आज आप देख सकते हो, वी हैव दी पॉलीगन एक्सट्राडा 7 2021 एडिशन। ये पॉलीगन एक्सट्राडा सीरीज की वन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइन एमटीवी बाइक जो हमारे इंडिया में अवेलेबल है। दिस इज अ क्रॉस कंट्री प्लस हार्ड टेल बाइक विच इज फोकस टूवर्ड्स क्रॉस कंट्री रेसिंग, ट्रेल ओरिएंटेड राइड्स, क्रॉस कंट्री रेसेस या फिर फन लीजर ट्रेल राइड्स भी करना चाहते हैं उन लोगों के लिए इस तरीके की बाइक को पूरी तरीके से निकाला गया है। So before we begin with the review, let's see what all components we get on this bike. Let me show you all the detailed specification of this bike and then we'll see ki ye jo bike hai ye ride karne mein kaisi hai. So the frame that we have on this bike is ALX alloy frame. It's a cross country plus trail oriented frame and if you can see फ्रेम में ही आपको इंटरनल केबल राउटिंग का पूरा जो ऑप्शन है वो प्रोवाइड किया गया है। ऑन द फ्रेम यू कैन सी आपको दो एक्सेसरी माउंट भी प्रोवाइड किए गए हैं। कलर आप डेफिनेटली देख ही सकते हो, द कलर लुक्स रियली नाइस एंड कलर यू कैन सी इट लुक्स रियली रियली गुड। जो फ्रेम का कलर है ये थोड़ा थोड़ा यटी के हार्ड टेल बाइक जैसा लगता है, बिकॉज यटी की साइकिल में भी इस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन हमको मिलता है। एंड इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक्स द बाइक हैज रियली मिनिमम ग्राफिक। टॉप ट्यूब में आपको एक्सट्राडा 7 का जो ब्रांडिंग है वो मिलता है एंड बॉटम ट्यूब में आपको पॉलीगन की ब्रांडिंग नजर आती है। अनदर फीचर दैट दिस बाइक हैज कि इसमें आपको फ्रेम में ही ड्रॉपर पोस्ट लगाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, सो यू कैन इजिली इंस्टॉल अ ड्रॉपर पोस्ट एंड बहुत इजिली आप इसमें एक लेंदी ड्रॉपर पोस्ट को भी लगा सकते हो। द सैडल इज बाय एंटिटी वॉइड एंड जो इसमें आपको सीट पोस्ट मिलता है दिस इज अलॉय। एंड वेन वी टॉक अबाउट द हैंडल बार तो इसमें हमको एंटिटी एक्सपर्ट का हैंडल बार मिलता है। दिस वन हैज अराउंड 780 mm विथ एंड जो इसका स्टेम है दैट इज शॉर्ट, सो ओवरऑल लेंदी हैंडल बार, शॉर्टर स्टेम, हैंडलिंग इंप्रूवमेंट काफी अच्छी हो जाती है। ग्रिप्स आर बाय एंटिटी, सो सॉफ्ट एंड कुशनी ग्रिप्स। ब्रेकिंग की बात अगर की जाए तो इसमें हमको शिमानो MT201 का ब्रेकिंग प्रोवाइडेड है एंड हैंडल बार में ही हमको शिमानो ड्योर M6100 का जो शिफ्टर है वो मिलता है। सो नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द गियर्स, सो लेट्स सी व्हाट ड्राइव ट्रेन वी हैव इन दिस बाइक। सो वी गेट शिमानो ड्योर 1/12 ग्रुप सेट ऑन दिस बाइक। इट्स अ M6100 सीरीज। एट द बैक वी हैव 10-51 टीथ रेंज एंड जो डिरेलर है इसमें आपको शिमानो ड्योर M6100 का डिरेलर मिलता है जिसमें आपको शैडो क्लच का ऑप्शन प्रोवाइडेड है। ऑन द फ्रंट वी हैव शिमानो ड्योर सिंगल स्पीड क्रैंकसेट विद 32 टू चेनरिंग एंड हॉलोटेक बॉटम ब्रैकेट। इन टर्म्स ऑफ व्हील सेट ऑफ दिस बाइक, दिस कम्स विद एंटिटी एक्सएल 2 व्हील सेट। इट्स अ ट्यूबलेस रेडी व्हील सेट, सो ऑल यू नीड टू डू आपको बस इसके टायर्स को स्विच करना है एंड आपका ये पूरा ट्यूबलेस बन जाएगा। जो रिम है ये 27.5 का है, डबल वॉल्ड एलॉय रिम है एंड 30 mm का विड्थ है इस रिम का विच इज रियली गुड। शिमानो के MT501 का इसमें हमको हब मिलता है, इट्स अ बूस्ट हब एंड जो फ्रेम है ये भी पूरा बूस्ट है। ऑन द फ्रंट वी हैव SR Suntour XCR एयर फोक विद 32 mm स्टेंशन। शोल्डर में हमको कंप्रेशन लॉकआउट का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। साइड में यहाँ पे एयर चैम्बर है एज वेल एज डाउन में आपको यहाँ पे रीबाउंड का एडजस्टेबल मिल जाता है। ये एक थ्रू एक्सल फोक है जिसमें आपको क्विक पॉप लॉक का जो थ्रू एक्सल है ये मिलता है, दिस इज रियली गुड। सो इन टर्म्स ऑफ टायर वी गेट WTB ट्रेल बॉस 27x2.25 टायर्स। टायर्स के थ्रेड्स एंड नॉब्स हैं, दीज आर रियली प्रीटी डिसेंट। एज यू कैन सी मडी टेरेन में देखो किस तरीके से इसने पूरे मड को अपने इसमें लगा लिया है। इफ यू टॉक अबाउट द ब्रेक सेट तो एट द बैक वी हैव 160 mm डिस्क ब्रेक रोटर बाय शिमानो एंड शिमानो MT201 का कैलिपर। फ्रंट में भी हमको शिमानो MT201 का जो ब्रेक कैलिपर्स है वो मिलता है विद 160 mm ऑफ डिस्क ब्रेक रोटर। पेडल ऑन द बाइक इज मेड ऑफ प्लास्टिक, इट्स लाइक जस्ट की जनरल आपको प्रोवाइड किया गया है। सो अब बात करते हैं इस बाइक के ओवरऑल राइडिंग की, दैट हाउ दिस बाइसिकल फील्स व्हेन यू राइड इट ऑन ट्रेल्स एज वेल एज ऑन रोड। सो जनरली जब आप रोड पे इस बाइक को लेकर राइड करते हो, कंसिडरिंग दिस इज अ XC प्लस ट्रेल बाइक, तो ऑब्वियसली एक नॉर्मल XC बाइक से थोड़ा सा ज़्यादा ड्रैग इसमें आपको लगेगा, मीन्स थोड़ा सा ज़्यादा पुश इस बाइक को आपको करना पड़ेगा। इस बाइक में जो आपको ड्राइव ट्रेन मिलता है वो है 1/12 का, तो सामने काफ़ी छोटा आपको जो क्रैंकसेट का चेन रिंग है वो मिलता है जिसके वजह से जो पेडलिंग है ऑन द रोड आपको ज़्यादा करनी पड़ती है एंड ऑब्वियसली रोड में स्पीड पकड़ने के लिए आपको इसके हाईएस्ट गियर का ही यूज़ करना पड़ेगा। बट इन टर्म्स ऑफ क्लाइंबिंग, रोड में क्लाइंबिंग के लिए ये बाइक काफ़ी सूटेबल है बिकॉज इसके जो गियरिंग रेशियोज आपको मिलते हैं दे आर वेरी गुड। एंड क्लाइंबिंग में कैसी ये बाइक परफॉर्म करती है लेट मी शो यू। दिस रोड हैज़ ऑलमोस्ट 10% ग्रेडियंट, 10% का ग्रेडियंट का क्लाइंब है यहाँ पे। सो आई हैव करेंटली सेट द गियर्स एट नंबर 10 एंड फ्रंट में तो हमको 32 टीथ का चेन रिंग मिलता है। सो फार जो मैं क्लाइंब कर रहा हूँ 1/10 के कॉम्बिनेशन में, एज सच मुझे कोई प्रॉब्लम हो नहीं रहा है। एक हाथ पे मेरा कैमरा है एंड सेकेंड हाथ से मैं हैंडलिंग को संभाल रहा हूँ एंड सो फार सो गुड, कोई इशू है नहीं। नाउ हियर इज द डिफिकल्ट पार्ट जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लाइंबिंग का जो ग्रेडियंट है वो है,
एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो सिंगल हैंडेडली ही चीज़ें काफ़ी इजीली ऑपरेट हो रही हैं। सो नो मैटर किसी भी तरीके का क्लाइंब हो, आई एम प्रिटी श्योर दिस शिमानो ड्योर M6100 का जो पूरा ड्राइव ट्रेन है ये माउंट एवरेस्ट का भी बहुत इजीली क्लाइंब कर जाएगा यार। नाउ सो आई एम ऑन माई वे टुवर्ड्स द फर्स्ट क्लाइंब एंड रोड में तो हम लोगों ने इस गियर सेट का क्लाइंबिंग का हमने देख लिया था, ट्रेल्स में भी देख लेते हैं कैसा है। सेम थिंग आई एम डूइंग, एक हाथ से कैमरा प्लस रिकॉर्डिंग एंड एक हाथ से हैंडलिंग एंड धीरे धीरे हम कर रहे हैं क्लाइंब। कैमरे में शायद ना नजर आए बिकॉज यू नो एक्शन कैमराज दे ऑलवेज मेक एवरीथिंग फ्लैट, बट इट इज़ रियली गुड हियर। लूज रॉक्स, ओके, सिंगल हैंडेडली क्लाइंब्ड। सो नाउ दैट यू नो हाउ गुड दिस बाइक परफॉर्म्स ऑन क्लाइंबिंग, सो ओवरऑल फ्रेम के ज्योमेट्री की अगर बात करें, कंसिडरिंग दिस इज अ एक्सी प्लस ट्रेल ओरिएंटेड बाइक, नाउ कंसिडरिंग द हेड एंगल प्लस द 120 mm सस्पेंशन फोक, तो ट्रेल्स में जब आप इस बाइक को लेकर राइड करते हो, डाउनहिल सेक्शन में द कंट्रोल इज इम्प्रूव। डाउनहिल सेक्शन में जो बाइक का ओवरऑल कंट्रोल है वो मुझको काफ़ी अच्छा लगा एंड इन टर्म्स ऑफ कॉर्नरिंग एंड एवरीथिंग, तो बाइक काफ़ी बैलेंस तरीके से कॉर्नरिंग कर जाती है थैंक्स टू द वाइडर हैंडल बार, शॉर्टर स्टेम। ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द बाइक इज रियली गुड जब आप ट्रेल्स में इसको राइड करते हो। आई फेल्ट कि डाउनहिल सेक्शन में ये बाइक बहुत ही ज़्यादा निम्बल मेरे को फील हुई, निम्बल एजाइल एज वेल एज जो स्विफ्ट इस बाइक का रिस्पॉन्स है वो भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। सिंस दिस बाइक इज अवेलेबल इन टू 27.5 एज वेल एज 29er, द मॉडल वी हैव हियर इज ऑन 27.5, मीडियम साइज का फ्रेम है इसमें एंड इस बाइक में जो व्हील सेट है दैट इज कम्प्लीटली ट्यूबलेस रेडी। सो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ट्रेल राइडिंग द बाइक हैंडल्स एवरीथिंग प्रिटी वेल, जैसा एक क्रॉस कंट्री बाइक को हैंडल करना चाहिए ये उस तरीके से पूरा जो हैंडलिंग है उसको कर लेती है। एंड अगर इसके ब्रेकिंग की बात करें तो दे आर प्रोवाइडेड बाय शिमानो MT201, तो ब्रेकिंग आपको ऑलमोस्ट सेटिस्फैक्ट्री लेवल का ही मिलेगा, यू कैनॉट एक्सपेक्ट डियोर लेवल का परफॉर्मेंस बिकॉज जो ब्रेक है वो उसके एंट्री लेवल वाले हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ड्राइव ट्रेन परफॉर्मेंस। सिंस दिस बाइक हैज अ शिमानो ड्योर M6100 सीरीज, मीन्स इसमें 1/12 का जो पूरा ग्रुप सेट है वो आपको देखने को मिलता है, तो शिमानो ड्योर M6100 सीरीज का जो पूरा ड्राइव ट्रेन है दैट इज टॉप ऑफ द लाइन इन ड्योर एंड इसका जो परफॉर्मेंस है दैट इज ऑल्सो टॉप ऑफ द लाइन। क्रिस्प, बहुत ही क्रिस्प इसका शिफ्टिंग है एंड डाउन शिफ्टिंग भी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प है। व्हाट आई फेल्ट कि ड्यूरिंग द शिफ्टिंग जब मैंने इसको स्लाइड पुश किया गियर बहुत इजीली शिफ्ट कर रहे थे, कोई भी इशू मेरे को नहीं आया है। सो डेफिनेटली 5 out of 5 फॉर दिस ड्राइव ट्रेन। नाउ इन टर्म्स ऑफ SR Suntour XCR के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो इसका परफॉर्मेंस आई फेल्ट इट इज़ सेटिस्फैक्ट्री, दो इट इज़ नॉट अप टू द लेवल ऑफ RockShox और Manitou या Fox के लेवल का तो डेफिनेटली ये नहीं है एंड सिंस ये एक एंट्री लेवल एयर फोक है तो इसका परफॉर्मेंस उसके हिसाब से सेटिस्फैक्ट्री ही है। 120 mm का ट्रैवल इसमें आपको मिलता है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसके कंप्रेशन एज वेल एज इसके रिबाउंड को एडजस्ट करके अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इस फोक को पूरा सेट कर सकते हो एंड राइड कर सकते हो। एंड सिंस दिस हैज़ द कंप्रेशन लॉकआउट, तो जब आप रोड में राइड करते हो तो आप इसको लॉकआउट कर सकते हो जिससे आप बहुत इजीली आपकी स्पीड भी इंप्रूव हो जाएगी एंड आपका पावर आउटपुट भी बचेगा। ओवरऑल पॉलीगन एक्सट्राडा 7 इज अ गुड बाइक फॉर एनीबडी हु इज लुकिंग फॉरवर्ड टू बाइंग अ बाइक जिसको वो ट्रेल्स में भी राइड कर सके एज वेल एज अपने क्रॉस कंट्री राइड्स, क्रॉस कंट्री ट्रेल्स, क्रॉस कंट्री रेसेस में पार्टिसिपेट कर सके, तो उसके लिए ये बाइक काफ़ी अच्छी है। यू हैव दी ऑप्शन कि आप इसको फ्यूचर में काफ़ी इजीली अपग्रेड कर सकते हो, टेपर्ड फोक होने के वजह से आप फ्यूचर में इसमें और भी डिफरेंट तरीके के फोक का इस्तेमाल कर सकते हो एंड कंसिडरिंग 1/12 का पूरा ग्रुप सेट इसमें आपको मिल रहा है दैट इज़ बाय शिमानो, तो और क्या चाहिए आपको एक क्रॉस कंट्री रेसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। 160 mm का बोथ फ्रंट एंड रियर में इन्होंने रोटर प्रोवाइड किया है। आई फेल्ट कि अगर फ्रंट में इनको 180 mm का रोटर दिया जाता तो दैट कुड हैव बीन मच बेटर बिकॉज उससे ब्रेकिंग थोड़ी सी और इम्प्रूव हो सकती थी। सिंस दिस इज अ एक्सी बाइक सो आई फील शायद पॉलीगन ने इसी वजह से इस बाइक में आपको 160 mm के दोनों ही फ्रंट एंड बैक में आपको डिस्क ब्रेक का रोटर दिया है। हाउएवर कंसिडरिंग दिस इज ऑल्सो अ ट्रेल रेडी बाइक सो आई फेल्ट कि 180 mm का रोटर हमको फ्रंट में भी मिलना जरूरी था। सेकेंड थिंग विच आई फेल्ट कि थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हो सकता था दैट इज दी पेडल्स, इस बाइक में हमको प्लास्टिक के पेडल्स मिलते हैं तो अगर वो मेटल के पेडल्स मिलते दैट वुड हैव बीन रियली गुड। सो इन केस इफ यू वॉन्ट पर्सनल बाइक रिकमेंडेशन फॉर योरसेल्फ कि आपके लिए कौन सी बाइक बेस्ट रहेगी, यू कैन बाय मी अ कॉफी, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड आई विल पर्सनली हेल्प यू आपके लिए एक बेस्ट बाइक चूज करने में। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक हैंडल @CycleRiderRoy। अगर आपको एक्स्ट्राडा 5 का रिव्यू देखना है यहाँ पे एक वीडियो आ रहा होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। आई विल सी यू विद अनदर वीडियो, अंटिल देन बाय बाय।